हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं सोनू एम क्यू यूट्यूब चैनल्स। और आज मैं आपके लाया हूँ आपके लाइफ में इस्तेमाल होने वाले बहुत ही रोचक चीज़, बहुत ही कम पैसे और घर में तैयार कर सकते हैं। और ये इसका नाम है डीसी टेस्टर जी। ये मार्केट में 15 रुपये से लेकर 20 रुपये 25 रुपये में आसानी से उपलब्ध है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसको बना भी सकते हैं। मैं पहले आपको इसको दिखा दूँ, ये हमारे पास पूरे बॉक्स है, इसमें कैसे बनाना है। आप अगर चाहें तो ऐसे दो कील ले लीजिए लोहे की, दो ऐसे बॉडी ले लीजिए और एक RGB LED लगेगी इसमें, हल्की रेड कलर का है। और दो इसमें छोटी छोटी सेल लगा सकते हैं, सेल जो घड़ियों में लगती हैं, सेल 1-1 रुपये के मिलेंगे। मैं इसको खोल दिखा दूँ आपको, इसे बहुत कोई चीज़ है नहीं, देखिए यही सेल है, 1-1 रुपये की मार्केट में मिलेगी, आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पे एक LED है, देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिरा उसका कनेक्ट कर दिया गया है, एक सिरा यहाँ पर और सेल लग जाएगा। और यहाँ से ये ग्राउंड कर दी गई स्प्रिंग लगा करके, किस सेल को दबाया रहेगा, यहाँ से तार जोड़ के यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है। ये मार्केट में 15 से 20 रुपये में मिल जाएंगे और आप घर पर भी इसको आप बना सकते हैं। और अब मैं बताता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। जैसे आपको बल्ब चेक करना है, वायर पंचर है सही है, केबल चेक करना है, स्विच चेक कर रहे हैं, हल्के पावर्स के रेजिस्टेंस जो ओम में है, डायोड चेक करने हैं, डायोड के स्टार्टिंग प्लस माइनस कोई भी स्विच है ये रेजिस्टेंस है आप चेक कर सकते हैं, समरसेबल पंप से चेक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ की कंटिन्यूटी चेंज कर रही है तो आप कंटिन्यूटी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही छोटी सस्ती मीटर जो आपको लाइफ हैकर्स में बहुत ही आसानी के साथ काम कर सकती है। ठीक है मित्रों, मैं इसको टेस्टिंग आपको दिखा दूँ, इसको फिटिंग कर दूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये हमने सेल लगाया और इसे आप करेंगे तो इसमें आप रेड कलर की LED जलेगी, अर्थात लाइट जो है फ्लो हो रही है। ये बल्ब है, बल्ब की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आप दोनों को इसे लगाइए, ये बल्ब की कंटिन्यूटी बता रहा अर्थात ये बल्ब सही है, ये स्विच है इसकी कंटिन्यूटी देखते हैं, स्विच का अब जल रहा सही है, इसको बंद करेंगे बुझ जाएगा, स्विच हमने बंद किया बुझ गया और ये चालू हो गया, हम चालू हो गया। ये डायोड है, डायोड पर जानते हैं आप कि एक तरफ से मान आता है दूसरे तरफ से नहीं आता है, क्योंकि डायोड वाल्व की तरह काम करता है। हल्के पावर रेजिस्टेंस को मैं बता दूं, देखिए ठीक है अभी जलेगा, जल रहा, हल्के पावर रेजिस्टेंस बताएंगे जो ओम्स में है, किलो वाले नहीं बताएंगे। इस पर डायोड में एक साइड से जलेगा तो सही है, दूसरे तरफ से जलेगा तो ख़राब है। ये जो डायोड जो है देखिए सही है, इधर से जलना चाहिए,